और उसको मैं बड़ा ब्रीफ ही रखता हूँ, जितना मुझे कुछ पता है। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बैठना है। आप यूपी के गोरखपुर जिले एक छोटे से गांव से निकल कर आए और उसके बाद अर्थशास्त्र से पढ़ाई करते हुए, उसके बाद केंद्र सरकारी डिपार्टमेंट नौकरी करते हुए अर्थशास्त्र पर किताब लिखी, कविताएँ लिखी, मार्क्सवाद पर किताबें लिखी, अभी इतिहास कश्मीर के इतिहास पर लेकर संपूर्ण इतिहास पर एक किताब लिखी, और इसके अलावा उससे ज़्यादा एक सबसे ऊपर उठने पर जो एक्टिविस्ट के रूप में भी लोगों को, तो उनको भी ये पसंद है कि वो ऊपर दिया जाए, इसलिए मैंने उसको ऊपर रखा। तो मैं यहाँ से शुरू करते हुए लेखक से मिलाने का आपका शुरुआत करता हूँ, वहीं से जहाँ से मेरी लेखक से पहले मुलाकात हुई थी, और उस किस्से को सुनाते हुए वहीं से मैं पहला सवाल सामने। कविता सभा एक का आयोजन ग्वालियर में हुआ था शायद 2010 के आसपास। वहाँ एक सामान्य दर्शक की हैसियत से वहाँ पहुँचा था और उसके समापन समारोह वाले आयोजन से एक अशोक कुमार पांडे जी कार्यक्रम के बहुत ज़्यादा तारीफ, 1,00,000 रुपये के पुरस्कार की राशि प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपये उस सम्मान देने के लिए ऑफर की, जिसका अशोक कुमार पांडे जी मंच पर पहुंचकर, और ये भी नहीं कह सकते बड़े सविनय तरीके से, लेकिन उसको ठुकरा दिया गया। मैंने ठुकराया नहीं था, उस आयोजन में हमने एक नियम बनाया था कि हम 25,000 रुपये से ज़्यादा किसी से चंदा नहीं लेंगे। अशोक जी इतना कह रहे थे तो हमने कहा 25,000 देंगे तो उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो वो 2500 नहीं आया, आप 1,00,000 तो समस्या की नहीं। अब ये जो इनका स्वभाव बेसिकली ये स्वभाव है और ये इसकी उनकी पहचान ज़्यादा है उनके बीच, तो कई लोग कहते हैं खुददारी है और बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं उनकी अकड़ है, तो जितना मैं परिचित हूँ से अकड़ भी कोई देश होता है, आदमी बहुत संपन्न होता है, मैं जानता हूँ वैसे कोई बात उस वक्त भी नहीं थी, बहुत प्रसिद्ध लेखक भी नहीं थे उस वक्त, तो ये किस चीज़ से आती है, ये एक्टिविज्म भी उसी चीज़ से आता है, मैं जानता हूँ तो, लेकिन ये कहाँ से और क्यों आती है? और ये तो हिंदी में जो पूरा एक्टिविज्म का मामला है मैं उसको इनकार करता हूँ, उससे पूरी तरह से उसको खारिज करता हूँ। कारण क्या है कि आप 10 से 6 सरकारी नौकरी करते हैं, शनिवार रविवार को जंतर मंतर में जाके 1 घंटे नारा लगा देते हैं और फिर आप कहते हैं आप एक्टिविस्ट हैं। दिस इज मतलब जो रियल एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां ली हैं, जिन्होंने नौकरियां नहीं की, जो पूरी जिंदगी जनता का काम करते रहे, जब अशोक कुमार पांडे को आप एक्टिविस्ट कहते हैं तो उनका अपमान करते हैं। अशोक कुमार पांडे तो एक सुविधाजनक जिंदगी जीने वाला आदमी है, और ऐसे तमाम लोग जब अपना नाम जो सरकारी नौकरी करते हैं, जिनकी एक फिक्स इनकम है, अच्छे घरों में रहते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, तो हिंदी में दिक्कत क्या है कि जो मिनिमम काम लेखक का होता है लोग वो भी नहीं करते। तो जो लोग लेखक के इस मिनिमम काम को थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं, आप तुरंत उनको एक्टिविस्ट और क्या क्या तमगा लगा देते हैं। मैं बिल्कुल नहीं मानता मैं एक्टिविस्ट हूँ, मैं एक लेखक हूँ, और थोड़ा बहुत जितना लेखक के लिए जरूरी होता है विरोध करना, जितना जरूरी होता है सड़क पर उतरना, जितना जरूरी होता है अपने लोगों के साथ खड़ा होना, उतना उसमें से थोड़े बहुत की कोशिश करता हूँ। अब पता नहीं इसको एक्टिविज्म का नाम क्यों दिया जाता है, मैंने अपने किसी परिचय में कभी भी एक्टिविज्म को शामिल नहीं किया। ये दूसरी बात है जब मैं मन से कह रहा हूँ कि मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ। अकड़ वाला सवाल ये है कि दो चीज़ों पर अकड़ होती है, तो आपके पास बहुत ही कुछ नहीं है, तो अक्सर मेरे पास कुछ नहीं रहता, उसकी एक अकड़ रही जब हमारी मुलाकात हुई थी, मेरे ख्याल से उस वक्त आपकी दो किताबें शोषण के अभयारण्य जो अर्थशुद्ध अर्थशास्त्र की तकनीक में था, दूसरी आपका पहला कविता संग्रह लगभग हाँ, तो ये बिल्कुल दुनिया की दो छोटी ऐसी चीज थी। और उस वक्त हिंदी साहित्य में जिस तरह शुद्ध तकनीक की किताब बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं होती, मुझे लगता है शोषण के अभयारण्य पर उतना ज़्यादा कुछ एक नहीं था, और पहला आपका कविता संग्रह था, उस वक्त ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करना और दोनों का जो रिस्पॉन्स था उसमें आपको क्या सिखाया दरअसल सही क्रम यह है कि सोशल का अभियान आई थी, उसके साथ मार्स की जिंगनी आई थी, और उसके कोई एक साल बाद फिर कविता संग्रह आया था। और मुझे मित्रों ने कहा था कि हिंदी में जो लोग ये अर्थशास्त्र इतिहास वगैरह लिखते हैं उनको फिर कभी कहानीकार नहीं माना जाता, अगर तुमको कवि बनना है तो ये सब मत। लेकिन दिक्कत ये थी कि अर्थशास्त्र मेरा विषय है, और उस समय मनमोहन सिंह के नई नई ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज लेके आए थे, हिंदी में ग्लोबलाइजेशन को लेके बाजारीकरण जैसा भ्रष्ट जर्नल ले आया गया जो आज भी यूज़ किया जा रहा है, तो मुझे लगता था कि अर्थशास्त्र में थोड़ा बहुत कर सकता हूँ कॉन्ट्रीब्यूट, तो मैंने वो किताब लिखी थी शोषण के अभियारण्य।
मार्स की चीनी भी ऐसे ही एक संयोग का मामला था कि एक पतली सी चीनी लेके मेरे पास आलोक श्रीवास्तव आया और उन्होंने कहा इसका अनुवाद कर दो। मैंने कहा तो चीनी है ही नहीं है, तो उधर ट्रैक भी नहीं है ढंग का, मैं अपने तरीके से उनको लिखूंगा। तो वो अनुवाद से फिर शुरू होकर वो मार्स की चीनी बनी, हो गया बस ऐसे ही। और कविता संकलन कहानी संकलन में तो यह है कि आप लिखते रहते हैं, एक दिन कोई प्रकाशक आपसे टकरा जाता है, कहता है ठीक है भाई छाप दूंगा, आप सब इकट्ठी करके दे देते हो, उसमें कोई मेहनत तो करनी नहीं होती है। तो ये भी हुआ कि जिसने मेरे शोषण का व्यारण छापी थी उसको लगा ये भी किया तो शायद कविता संकलन भी बिक जाएगा, तो उसने कहा कविता संकलन भी दे दो, उन्होंने दे दिया, वो कोई प्लानिंग नहीं। लेकिन ऐसा पहला संकलन छूट गया था, आपको ऐसा लगा कि अर्थशास्त्र और मार्क्सवाद इन सब आपकी कविताओं पर क्या किस किस का प्रभाव आपको लगा ये तय करना तो आलोचक का काम है, मैं क्यों करूँ, मेरा काम चलता है लिखना, मैंने लिखा कितना असर क्या पड़ा ये आलोचक तय करेगा। मुझे नहीं लगता है कि इस बात के लिए आलोचना हुई कि इस पर अर्थशास्त्र का असर है, या बहुत दूसरी चीज़ों के लिए आलोचना हुई कला कम है या इस तरह की चीज़ों के लिए आलोचना हुई और वो सही आलोचना की, लेकिन अर्थशास्त्र या मतलब किसी सो कॉल्ड विद्वत्ता के प्रभाव का मुझे नहीं लगता है कि उसको आलोचना हुई है, किसी ने नहीं की तो मैं क्या। चलिए आपने जो कहा उसी से मेरा आपका पहला काम संकलन है 2011 और दूसरा 2014 प्रलय में, तो 3 सालों के छोटे समय में एक कवि के रूप में जो कविता है वो मैं उन दोनों किताबों से लय के थोड़े से ध्यान से पढ़ा प्रलय में लय एक नाम है एक कुछ लाइन की अशोक कुमार पांडे की कविता है सबसे पहले अपने कवि की ओर ध्यान आकर्षित करती है और एक पंक्ति यहाँ कला शिल्प और प्रयोग धर्मिता पर उतना आग्रह नहीं है जितना कहते हैं और पहले संपर्क और यहाँ से दूसरे संकट तक आने में जो दूसरा संकट के ऊपर से वो आदमी नहीं मिल रहा है उसका टाइटल है कला और विचार की अचूक संतुलन। दूसरे कविता संकट तक आते हुए अशोक कुमार पांडे का स्वर और संयत का पकड़ हुआ है एक वैचारिक उत्तेजना जो उनकी कविताओं को पहचान के उसमें कई तत्व और जुड़ गए हैं, मानविक आख्यान में तब्दील हो जाने लगे हैं, समग्र कवि रूप का दर्शन होता है, भाषा और शिल्प स्तर पर आश्चर्यजनक रूप से परिपक्व और प्रयोगशील होता है। कुमार भाई भी सामने बैठे हैं तो 3 सालों में एक से दूसरे तरफ बड़ा पैराडाइम शिफ्ट कैसे और किस वजह से? पहले तो दोस्तों को सार्वजनिक रूप से आभार करने का बहुत कम मौका मिलता है, तो एक दोस्त और एक थोड़ा बड़े दोस्त निरंजन श्रोत्री और कुमार रकम यहाँ बैठे हैं। मुझे लगता है कि मेरी कविता पर 2 ही टिप्पणियाँ की गई हैं, इसके अलावा आमतौर पर मेरी कविताओं पर टिप्पणियाँ नहीं हुई हैं, छोटी मोटी हुई हैं, तो दोनों का होता है। एक बात होती है यहाँ काफ़ी सारे लोग बैठे हैं मनोज भाई हैं, जब पहला संकलन हम निकालते हैं तो पिछले 10 साल का संकलन होता है, मतलब कविता लिखना तो बहुत पहले से शुरू कर देते हैं, तो कच्ची पक्की बहुत सारी कविताएँ होती हैं, जरा उत्साह भी होता है कि पहला संकलन आ रहा है तो थोड़ा मोटा हो जाए, थोड़ा अच्छा हो जाए, कोई बहुत बताने वाला नहीं, हिंदी में कोई ऐसा ट्रेडिशन तो है नहीं कि आपको कोई बहुत गाइड करे या एडिट करे, और हम तो ग्वालियर में रहते थे वहाँ तो कोई ऐसा था भी नहीं है, तो पहला संकलन मैं खुद मानता हूँ कि आज अगर मैं अपना पहला संकलन देखता हूँ तो मेरा पढ़ने का बहुत मन नहीं करता, बहुत कच्ची कविताएँ हैं, बहुत गर्म कविताएँ हैं, अनएडिटेड कविताएँ हैं, लेकिन ठीक है तो मेरी ही, तो ये था। दूसरा संकलन भी एक संयोग से निकला, हम लोगों ने एक दखल प्रकाशन करके शुरू किया कुछ मित्रों ने, और ये हुआ कि कविताओं को संकलन निकालेंगे, सीरीज का संकलन आया, अजय का संकलन आया, तो इन सब ने कहा कि जब हम लोगों को तुम हमारी कविताओं पर रस ले रहे हो तो अपनी कविताओं में भी रस लो, नया प्रकाशन से हमारी हमारा संकलन छाप रहा था बता भी चाहता, तो मैंने इकट्ठा करना शुरू किया तो बच्चों को भेजा तो बोला हाँ दादा संकलन आया है ठीक है, तो वो बंधन का ही तैयार किया हुआ पूरा संकलन है, उसका क्रम भी इसी ने लगाया है, नाम हम लोगों ने मैंने और गिरिराज ने मिलकर तय किया था, इसने फाइनल किया तो वो संकलन, बाकी को मैंने एडिट किया, मेरा संकलन पूरा अनुभव ने एडिट किया, वो संकलन ठीक है, मुझे लगता है कि एक कवि के रूप में वो मेरी ज्यादा बेहतर पहचान है। मेरा कैसे मानना है, मैंने दोनों संकलन आपके पढ़े और जो आपके शायद हम मेरे भी हैं मैं आपको बता रहा था। अच्छा आप मुश्किल रूप से जानते हो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद पर आप दो किताब आ चुकी है, तो ये एक थोड़ा अलग किस्म का सवाल है कि मैं थोड़ा कुछ पलटा तो पिछली जो किताब आप गई उसमें आपके भारतीय दर्शन पश्चिमी दर्शन पर भी कुछ एक उसमें अध्याय है, तो एक कम्युनिस्ट होने के नाते तुलना अध्ययन के रूप में आपके दोनों का भी अध्ययन किया ही होगा, तो एक मेरा ये सवाल है कि जब तर्क और स्थूल का अंत होता है तो सूक्ष्म अभिभाषी और आध्यात्मिक क्षेत्र शुरू होता है, इसमें कमजोर लोग अपना विश्वास नहीं करते, एक मार्क्सवादी एक कम्युनिस्ट तर्कवादी होने के उस पर
क्या आपको लगता है कि उस जॉनर में ऐसी कोई जगह है जहाँ उस किस्म के लोग अपना कुछ सहारा कुछ सहायता कोई हिम्मत हो सकते हैं या ऐसी जरूरत नहीं है, है कैसे कुछ? देखो दो बातें हैं, पहले तो मास बात को लेके ये बड़ी अजीबोगरीब समझदारी है कि कोई बहुत रूढ़ी वाली चीज है, कोई बहुत गर्म चीज है, कोई ऐसी चीज है जहाँ तर्कों के अलावा किसी चीज के लिए जगह ही नहीं है, कोई ऐसी चीज है जो बहुत क्रूर चीज है। हमारे समाज में आम धारणा है, हमारे समाज में तो आम धारणा है, बहुत सारे चीजों को लेके हैं, लेकिन जो मैं जानता हूँ उसके बारे में बात कर सकते मार्स को अगर आप पढ़ोगे, मतलब जो मार्सवाद मैं जानता हूँ, हो सकता है वो गलत मार्सवाद हो, लेकिन जो मैंने पढ़ा लिखा और जाना, तो अगर वो अमानवीय दर्शन होता तो मैं पहला आदमी होता जो कुछ मुझे उसमें मानवीयता के इतने सारे सूत्र मिलते हैं, इतने सारे रास्ते मिलते हैं। और जो आपने कमजोर आदमी का कहा, मैं छोटा सा एग्जाम्पल याद करूँगा, गोर्की का जो मान है, गोर्की का उपन्यास, उसमें उसकी माँ जो है वो कहती है कि तुम तो गॉड को नहीं मानते, तो वो बोला नहीं नहीं आप वाले गॉड से हमें दिक्कत नहीं है, वो गॉड जिसको लेके ये जो जार है और ये जो बाकी लोग हैं ये जनता का शोषण करते हैं, हमें उससे दिक्कत है, यानी ईश्वर के अमानवीय रूप से ईश्वर का जो प्रयोग किया जाता है उस तरह से उससे वो कोई कम्युनिस्ट कैरेक्टर उस रूप में नहीं। तो पहली बात तो ये कि लेखक से बार बार उसकी विचारधारा पे ठप्पा लगवाना या उससे कहना आप मार्क्सवादी हो तो ये क्यों करते हो आप मार्क्सवादी, देखो एक मार्क्सवादी लेखक वैसे ही व्यवहार नहीं करेगा जैसे मार्क्सवादी पार्टी का नेता होगा, दोनों के क्षेत्र अलग है। मैं एक लेखक हूँ तो एक लेखक के तौर पर मेरी संवेदना जो होती है, मेरा जो विषय होता है, जैसे कश्मीर का नाम, तो कश्मीर मेरे लिए सब्जेक्ट नहीं है कि मैं गया फोटो खींची किताब लिखा तो मैं एक लेखक के तौर पर वहाँ के लोगों से जुड़ गया। जब रीता भाई सामने बैठे हैं, जब 30-35 दिन बाद इनका फोन आया तो मेरी आवाज़ कांप रही थी कि मतलब बात हो गई, कम से कम एक आदमी का हाल मिल गया। तो एक नेता के लिए हो सकता है वो अलग हो, एक नेता के लिए वो फोटो खिंचाने का ऑप्शन हो सकता है, वो एक जंग शुरू करने का ऑप्शन हो सकता है, लेखक के लिए वो अलग तरीके से। जिस सहारे की तुमने बात की अभी कि गरीब आदमी या कमजोर आदमी कैसे सहारा ढूंढेगा, देखो दो तरीके हैं। एक तो ये होता है कि आप उसको एक ऐसा सहारा दे दो जो है ही नहीं, हम उससे कहते हैं भगवान सबका हो, हो सकता है उसमें पूरा जीवन निकल जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोगों का जीवन निकल जाता है, लेकिन जिस भगवान पे मेरा भरोसा नहीं है, जिस चीज पे मेरा भरोसा नहीं है, मैं उसका भरोसा अपने पाठक को कैसे करा सकता। जो नोट के बारे में आज 500 का पुराना नोट कोई मुझे दे तो मैं किसी भिखारी को या किसी लेबर को वो 500 का नोट कैसे दे सकता हूँ जो मैं जानता हूँ कि बाजार में नहीं चलेगा, अगर मैं देता हूँ तो मैं धोखेबाज। तो एक लेखक के तौर पर जो मेरी आस्था है, जो मेरी समझ है, मैं अपने पाठक के साथ पूरे ईमानदारी से शेयर करता हूँ और बताता हूँ कि भाई ये चीजें हैं, इन्हीं से सहारा मिलेगा, लड़ सकते हो लड़ो वरना देखो, और लड़ो या ना लड़ो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये कहना बहुत जरूरी है, ये कहना हम अक्सर भूल जाते हैं। माइक थोड़ा पास रखना, आवाज नहीं है। अच्छा एक आपके पास दरअसल अधिकतर सवालों के जवाब होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक सवाल थोड़ा कठिन पूछूं, शायद आपको चढ़ माइक पास करूं। कोशिश बहुत लोग कर चुके हैं, आप भी कर लीजिए। माइक पास करूं। धर्म की कुछ अच्छाई और मार्क्सवाद की कुछ बुराई बताइए जो आपको। हाँ, मार्क्सवाद की बुराई ये है, मतलब भारत में जो मार्क्सवाद की मैं बात कर रहा हूँ कि मार्क्सवाद ने जाति के सवाल को, धर्म के सवाल को उस तरह से नहीं डील किया जिस तरह से डील करना चाहिए। जिस रूढ़िवाद मार्क्सवाद की आमतौर पर समझ बनी है उसका कारण भारत में जिस तरह से मार्क्सवाद को व्याख्यायित किया गया वो है। और धर्म की आप खूबियाँ पूछ रहे हैं, मतलब आपकी नजर, आपकी नजर देखिए, सारे के सारे जो धर्म थे जब उनका उद्भव हुआ था तो वो मनुष्य के कल्याण के लिए बने थे, चाहे वो इस्लाम हो, इस्लाम क्यों बना, कबीले थे, कबीलों के अंदर जो है भयानक अराजकता थी, लोग 20-20 शादियां करते थे, हत्या कर देते थे, लूटपाट कर देते थे, तो उनका नियमन किया इस्लाम ने कि ये नियम है आप 3-4 ही शादी कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। आज ये बहुत रेट्रो लगेगा कि 4 शादी, लेकिन जहां 30-30 होती थी वहां आप सोचिए कि 4 एक नियम बना, उसमें तमाम सारे जकात का नियम बना, तमाम सारे मानवीय मूल्य भरे गए। लेकिन धर्म की समस्या ये है कि वो अपने आप को बदलता नहीं, और इसीलिए जब वो बदलता नहीं है हमारा समय आते आते सारे के सारे धर्म, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिज्म हो, चाहे कोई सा धर्म हो, सबने जो है अपनी प्रासंगिकता खो दी है, वो मनुष्य के पक्ष में नहीं रह गए। पहले धर्म बना था मनुष्य के लिए, अब उसी धर्म को बचाने के लिए मनुष्य अपनी जान ले रहा है, तो मुझे लगता है कि मनुष्य को तय करना चाहिए कि उसको क्या बचाना है, धर्म बचाना है या खुद को बचाना है। अभी आपका इसी वर्ष कहानी संग्रह इस देश में मिलिट्री शासन लगा देना चाहिए गया जो बहुत चर्चित उसकी कहानी, और मुझे पता है लगभग 10-11 साल तक लगातार इसके बीच की कहानी है, और ज्यादा ही शायद और पहले से कहानी 15 साल 15 साल
तो इसी 15 साल के दौरान आपको बाकी सब कुछ भी लिखा है, कविता, दुशास, बाकी किताबें, इतिहास, सब कुछ। तो ये बीच में पूरा जो ट्रांजिशन आपकी पूरे इसमें लिखने में होता रहता है, बीच में एक अर्थशास्त्र की किताब आ जाती है, फिर एक दो कोई कहानी आती है, फिर कविता की किताब आ जाती है, फिर मार्शल। तो इतना आसान होता है, आप ही के लिए आसान है, किसी के लिए भी हो सकता है, सबके लिए कठिन है, आप कैसे भी करते हैं? ये असल में मुश्किल सवाल है, इसका जवाब देना मेरे लिए किसी भी लेखक के लिए बहुत मुश्किल होगा। दरअसल मैं मतलब बहुत चर्चित रही हूँ, कहाँ चर्चित रही हूँ मुझे पता नहीं है, बताना जो कोई चर्चा वर्चा नहीं है उसकी, ईमानदारी से कहना चाहिए, हर संकलन चर्चित नहीं होता है, क्योंकि मैं कहानीकार के रूप में जाना नहीं जाता हूँ। हिंदी में एक है कि आप कहानीकार हैं तो कहानीकार हैं, इतिहासकार हैं तो इतिहासकार हैं, कवि हैं तो कवि हैं, मल्टीपल जो अगर आप वो करते हैं चीज़ों में लिखते हैं तो आपको माना नहीं जाता, एक की मान्यता दे दी ना बस कुछ हो गया। तो उस कहानी संकलन का तो अभी तक एक रिव्यू भी नहीं आया, अंदर वो चर्चित हो गई है। तो मैं यहाँ पर बात चर्चा चल रही थी इसी बारे में, अब दोस्तों के बीच में चलती रहती है, लेकिन मैं जहाँ का रहने वाला हूँ पूर्विया जो हूँ, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का, वो कहानियों का इलाका है। आप किसी चौराहे पे शाम को चले आइए, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरे ननिहाल पास में है, ननिहाल में एक नेता हुआ करते थे और वो उस जमाने में कांग्रेस में थे, और जैसे सारे ब्राह्मण बहुत सारे कांग्रेस से बीजेपी में चले आए, बाद में वो बीजेपी में चले आए। तो एक पान की दुकान थी अमर ज्योति टाकिश पे, तो हम लोग शाम को जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, जैसे आप जवान जब आपको दिखाना होता है तो पूरब में क्या करते हैं, कुर्ता पहनना शुरू करते हैं, जर्दे वाला पान नहीं खा सकते हैं तो कम से कम वो पान खाते हैं जिससे लाल लाल अगल बगल करे। तो मैं वहाँ जा खड़े होके दो बटन खोल के मैं खड़ा होता था, तो जब मामा वहाँ कहानियाँ सुनाते थे दिल्ली से उड़ के, तो मुझे ईमानदारी से लगता था कि इंदिरा गांधी से मिल के आए हैं वो, इंदिरा गांधी को उन्होंने डांटा है कि ऐसे क्यों किया, आपने क्यों नहीं किया, और इंदिरा गांधी ने आते समय उनको 501 रुपये का नहीं दिया, ये मुझे ईमानदारी से लगता था। और मैं बरसवीं में पढ़ा बच्चा नहीं था, तो वो जो इलाका है ना पूरब का, वो इतना कहान किस्सा वो इलाका है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे लगता है इसको कहानी में कहा जा सकता है। जितनी कहानियां मैंने लिखी उसकी कई बड़ी कहानियां मेरे पास अधूरी हुई, तो उसमें कुछ कहानियां पहले कुछ बाद में लिखी थी। और ईमानदारी की बात यह कश्मीर नामा हिट हो गई तो मैं दर्शक को लगा कि एक और किताब आएगी तो उसके पीछे पीछे बिक जाएगी, तो उन्होंने कहा कहानी संकलन भी दे दो, कुछ और दे दो, मैंने कहा कहानी संकलन छापोगे, अगर मैं साल भर पहले आता वो छाप की नहीं है, तो कहानी संकलन छाप दिया उन्होंने, बिक भी रहा है, अच्छी बात, बिजनेस भी तो है ना, फैशन में बिजनेस ब्रांडिंग। मेरी आवाज पास माइक को पास रखो, आप गोरखपुर में, गोरखपुर जिले में आपका जन्म हुआ, आपका बहुत सारा नहीं, मेरा जन्म जो है मऊनाथ भंजन एक जिला है, पहले वो आजमगढ़ था, आजमगढ़ सब लोग जानते हैं, मुंबई वाले जानते हैं, तो आजमगढ़ में वो था गाँव, बाद में जब वो डिवाइड हुआ तो मऊनाथ भंजन में आ गया, सरयू नदी के किनारे मिला गाँव। हाँ मेरे पिताजी देवरिया में पढ़ाया करते थे, तो मेरा बचपन वहाँ था, गोरखपुर से सीखा नहीं बस्ती की वो मजेदार है, जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी तो मैं गोरखपुर में था, जब गोधरा दंगे हुए तो मैं गुजरात में रहा, और जब मोदी की सरकार इन जगहों का आपको तो कैसे किस्सा मतलब साहित्य से अलग करके ऐसा कैसे देखा आपने कालाजी इलाके को, पूरा एक बिल्कुल पूरा परिदृश्य बदल जाता है यूपी से गुजरात, गुजरात से मध्य प्रदेश तो दिल्ली, तो मेरी बहुत सारी अकड़ चली गई। सबसे बड़ी बात की जब मैं ग्वालियर गोरखपुर में था और हॉस्टल में था तो मैं सीनियर मोस्ट का पीएचडी कर रहा था, तो मतलब हमारी अकड़ तो वो थी कि उस इलाके में किसी दुकान पर खड़े हो जाए, पैसे होना हो, सिगरेट पीनी है, चाय पीनी है, कोई दिक्कत नहीं थी। जब मैं नौकरी करने गया रडिया पहली बार गुजरात में, तब मुझे अपनी औकात समझ में आई, और इन शहरों में घूमते हुए ग्वालियर में मैं 3 साल तक लगभग किसी को नहीं जानता था, कोई मुझे नहीं जानता था, मैं भटकता था ऐसे ही, कोई मिलता जैसे बात कर लूँ और कोई बात करने वाला नहीं मिलता था, फिर साहित्यिक गोष्ठियाँ होती थी, मैं सबसे जाकर पीछे बैठ गया करता था, तो एक बार किसी ने कहा कि आप कविता लिखते हैं, हमने कहा मैं भी लिखता हूँ, तो फिर वहाँ कविता पढ़ना हमने शुरू किया, फिर धीरे धीरे परिचय हुआ, तो जो अकड़ आ गई थी गोरखपुर की वो धीरे धीरे चली गई, दूसरा भाषा पर बड़ा असर पड़ा, मुझे कई सारे बहुत सारे शब्द मिले, बहुत सारे लोग मिले, और सबसे ज्यादा असर तो कश्मीर का, जहाँ मैं कभी आया नहीं हूँ, 10 दिन 12 दिन नहीं जा रहा। आपने शायद गुजरात में भी आपको उसकी पता है, उसके अलावा आपने कई सारे अनुवाद भी किए हैं, तो ये अनुवाद करना बाकी बॉलीवुड लेखन करने से अनुवाद लेखन करना क्या दो तरह के अनुवाद होते हैं, एक पैसे के लिए किया जाता है, दूसरा कोई उसके बात करने की कोई बात नहीं, कविताओं का जो अनुवाद होता है जब मैं कुछ रचनात्मक नहीं कर पा रहा होता हूँ,
कविता नहीं लिख पा रहा होता हूँ, गद्य नहीं लिख पा रहा होता हूँ, पुस्तक नहीं पा रहा होता हूँ, तब मैं बाकायदा कविता का अनुवाद करता हूँ। और यकीन मानिए कि जितनी बार मैंने लगातार कविता के अनुवाद किए हैं उसमें से मुझे रचनात्मक सफल लग गया है। पहला दूसरा ये कि अब तो मेरी टाइम नहीं है, एक वक्त था कि 11 बजे रात के बाद मैं सिर्फ कविता पढ़ता था, इंटरनेट पर ढूंढने के दुनिया भर की कविताएं जहाँ पर मिलता है उसमें जो मुझे पसंद आती थी वो मैं अनुवाद करता था। तो इन दो तरीकों से मैंने अनुवाद किए हैं और कुछ करवाए के बाद में जब अनुवाद सब गए तो जैसे साहित्य अकेडमी का आयोजन हुआ था और भी जगह होने लगा। कुमार अनुपम बहुत अच्छे पेंटर हैं तो और हम लोग साथ में थे तो हम लोगों ने मिलकर बहुत सारे कवर्स फाइनल किए। बाद में ये जरूर हुआ कि मुझे कवर का सेंस आ गया तो बिना उनके भी कुछ सवाल मैंने फाइनल कराया। तो इससे जुड़ा सवाल जो मैंने सीखा था कि ये सारी चीज़ों के साथ साथ आपकी खुद की किताब को भी टाइटल्स बड़े मजेदार होते हैं, आपके प्रकाश को भी होते हैं, ये उसका टाइटल चुनना भी क्या कोई कला है या फिर इसका कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है या क्या होता है? पता नहीं, मुझे नहीं पता है। जैसे लगभग अनामंत्रित का बिल्कुल ऐसे ही बैठे बैठे आ गया था। प्रेरणा मिला है जितना मुझे, मैंने रात को 1 बजे मुझे याद है कविता पूरी की और दिवराज को सुनाई और दिवराज ने मुझसे कहा कि ये शिक्षक होगा प्रेरणा मिला जितना। तो चीज़ें हो जाती हैं, मुझे लगने लगा कि बहुत सप्रयास मैंने कुछ किया है और जब इतने साल तक आप लिखते हैं तो कुछ चलाएँ तो अपने आप आ जाती हैं, सब थोड़ा सीखना पड़ता है अलग से। मुझे वो बहुत महत्वपूर्ण बात लगती है। जैसे कश्मीर नाम मैंने नहीं नाम रखा है, मेरी एक बहन है उसने एक दिन अचानक फोन किया और बोला कि भैया इसका नाम कश्मीर नाम रख दिया, शालिनी नाम है उसका। मैंने कहा ठीक है, और इतिहास और सबका तो ज़्यादा नहीं रखा, तो जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है उसका शिक्षक नाम रखते ही। अच्छा, आपकी सबसे पहले कश्मीर से जो आपका इंट्रोडक्शन था उस पर एक कविता आई थी कश्मीर जुड़ाई के कुछ दशक, और वो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है, बहुत कई सारे लोगों को, तो मुझे लगता शायद वो ही आपका पहला परिचय कश्मीर या उसके। हाँ, मतलब उसके पहले मैंने दो किताबें पढ़ी थी लेकिन कश्मीर में घूमने गया था, केंद्र सरकार एनडीसी दे रही थी कश्मीर के लिए, हवाई जहाज का टिकट दे रही थी, तो हम लोग कश्मीर पहुँच गए थे और वहाँ आर्मी के एक मित्र थे हमारे, तो हम लोग आर्मी कंटोनमेंट में ठहरे थे और उनके साथ घूम रहे थे। तो जो ड्राइवर थे हमारे उनसे बातें थोड़ी बहुत हो पाती थी, हालांकि आर्मी की वजह से वो भी बहुत बात नहीं करते हैं लेकिन थोड़ा उससे खुल गए थे। फिर वो अपने गाँव ले गए, कुछ ऐसी जगहों पर ले गए जहाँ आमतौर पर टूरिस्ट नहीं जाते हैं और कुछ और लोगों से उन्होंने मिलवाया। तो इतना मेरे समझ में आया कि जितना मैं कश्मीर को जानता हूँ उससे तो बहुत ज़्यादा आता है कश्मीर। तो एयरपोर्ट पे गुलशन डिपो की, अब तो है नहीं, गुलशन डिपो की एक दुकान हुआ करती थी, तो वहाँ से 5-7 किताबें मैंने ऐसे ही खरीदी और खरीदने के बाद मैंने सोचा था कि एक ट्रैक लिखूंगा 100-150 पेज का हिंदी में, जैसे मार्शल के मुझे सिखान दस लोगों को मोटा मोटी कश्मीर के बारे में मालूम हो जाए। लेकिन दो चीज़ें हुई, एक तो हिंदी में किताब थी नहीं पहले और दूसरा जब पढ़ना शुरू किया तो मालूम हुआ वो इतिहास इतना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि आप छोड़ देंगे पीछे की बात नहीं करेंगे, बहुत शार्ट भी करेंगे और पहले से कुछ है नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज करेंगे, तो इसलिए फिर वो चला। तो वहाँ से लेके फिर आपका जो कश्मीर से तार का होना, उसके बाद कश्मीर में लगभग 4,464 पेज की कविता है अगर लगभग अनामंत्रित प्यार कीजिए, तो ये कविता है लेकिन हाथों में पत्थर है। जब पत्थरबाजी का पहला आया था तो लेकिन हाथों में पत्थर है बहुत तीखी कविता है। मैं किस रास्ते से उन तक पहुँचूँ, कैसे उन्हें लुभाना करते हैं, जो सपने उनकी आँख में, जो आज़ादी के सपने जो उनकी आँख में मेरी आँख में जिस तरह से कम ही करते हैं, तो वो शुरू रूप से ज्ञान की कविता थी कि आप अखबार पढ़ते हो, आप वो पढ़ते हो, सेंसिटाइज होते हो और पहली बार लिखते हो, इसलिए वो बड़ी असर्टिव है। जब आपके पास अज्ञान होता है, ज्ञान ज़्यादा नहीं होता है, तो आप बड़े असर्टिव होते हो। लेकिन जब मैंने कश्मीर जुलाई के कुछ दृश्य लिखा तो उसका नाम रखा कश्मीर जुलाई के कुछ दृश्य, क्योंकि मेरे पास कुछ टुकड़े टुकड़े में दृश्य थे, मेरे समझ में आ रहा था कि पूरी पिक्चर मेरे पास नहीं। तो आप देखो कि 5-6-7 खंडों में वो छोटे छोटे दृश्य, तो बस वो पीसेस थे मेरे पास, उनको मिला के पूरा करने के लिए मुझे इतिहास पढ़ना था, मैंने इतिहास पढ़ने का नहीं सीखा। ये सिर्फ कश्मीर नाम के लिए आपने बात नहीं होगा तो बहुत अच्छी लगी, और माइक पास का आपका जो इंट्रोडक्शन हुआ कश्मीर में बहुत सही था, तो जैसे पढ़कर पता लगता है कि उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें जो एक पहले दूर से देखने में मार्केट होती वहाँ जाकर आपको उस कश्मीर नाम को पढ़ने वाले पता चलेगा बहुत सी चीज़ें
चीजें आपको ज्यादा और क्लियर दिखी तो आपको उसमें पता चलने मतलब कि हम ज्यादा गहराई से चीज देखते तो हमारे कई सारी चीजों में अपडेट भी करते हैं विचार। तो ये जो कोई एक प्रोसेस है इसमें क्या 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 आपको चीजों को देख मतलब एक व्यक्ति के तौर पर हम जानते हैं कि हाँ ये हमारा विचार था हम और ज्यादा जा तो कश्मीरनामा लिखते हुए मेरा कोई विचार नहीं था। बहुत साफ मैं बताऊं कि कश्मीरनामा लिखते हुए अगर महाराज भाई लिखेंगे तो उनका अपना एक स्टेप होगा, निदा भाई लिखेंगे तो उनका अपना एक स्टेप होगा, क्योंकि ये वहाँ के हैं, इन्होंने दुख झेला है, इन्होंने पीड़ा झेली है। मैं तो एक बाहरी हूँ, मैं एक पर्यवेक्षक था, तो मेरा अपना पहले से कोई स्टेक नहीं था, मेरे पास कोई अंतिम हल नहीं था और मेरा कोई पक्ष नहीं था कि मुझे इनके पक्ष में लिखना है, इनके खिलाफ लिखना। मैं गया, पढ़ता गया, जहाँ मुझे लगा कि नहीं अभी तो गड़बड़ है, तो फिर पढ़ने का तरीका क्या था, एक किताब खरीदी, उसमें वीडियो में देखा 40 किताबें हैं, 40 किताबें वो मंगवा दी, फिर पढ़ा, तो ऐसे करते करते एक मोटी पिक्चर मेरे सामने बनी। और वो मोटी पिक्चर जैसी थी, इसे भी आप देखोगे कश्मीरनामा में, मैं बिल्कुल असर्टिव नहीं हूँ, मैंने जो कुछ कहा है किसी और के हवाले से कहा, मैंने कुछ जजमेंट नहीं दी। कश्मीरी पंडितों मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, उन्होंने किताब पढ़ने से पहले किताब छपने से पहले मान लिया कि वो कश्मीरी पंडितों के खिलाफ लिखी होगी, 90s में जो उनका एडवर्टाइज हुआ उसको सही बताया होगा जगमोहन को उसका जिम्मेदार, जबकि आप जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो मुझे समझ में आया, जो मुझे सही लगा वो मैंने लिखा, और जो भी लिखा उसके लिए सोर्सेज देने की कोशिश की। और मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ कि कश्मीर को मैं जितना जानता हूँ वो कश्मीर का 5-7% है, मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप लोग मुझे कश्मीर एक्सपर्ट मानते रहेंगे तो फर्क नहीं, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। आपने एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, आप श्रीनगर जाइए, श्रीनगर में आप 5 इलाके चुन लीजिए, निगीम लेक चले जाइए, आप हवा कदर चले जाइए, आप फतेह कदर चले जाइए, आप फिर वो जो नए बने हैं बिल्कुल इलाके जो एकदम जवाहर नगर चले जाइए, करण नगर चले जाइए, खानिया और कुछ बहुत सी जगह हम लोग रहते हैं, छानपुरा चले जाइए और 5 सैंपल लीजिए, एक ही सवाल पांचों से पूछिए आप, इतिहास से मैं नहीं कह रहा वर्तमान सर को, पांचों के अलग जवाब और कोई गलत नहीं, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। अभी महाराज में से सुबह बात हो रही थी, शिवरात्रि वो भी मनाते हैं हम भी मनाते हैं, लेकिन वो शिवरात्रि में इतना फर्क है कि हम हमारे साथ दिक्कत क्या है, जो मेनलैंड इंडिया जिसको हम कहते हैं उत्तर प्रदेश बिहार और ये मध्य प्रदेश जहाँ के लोग छठ मनाने जा रहे थे, ये जो मेनलैंड इंडिया है उसकी प्रॉब्लम क्या है कि मानता है हमारा ही कल्चर है और बाकी सारे अगर वो कोई भी हिंदू है तो हमारा ही कल्चर मानेगा, कोई भी मुसलमान तो हमारा ही कल्चर मानेगा। कश्मीर एक बिल्कुल अलग आइडेंटिटी है, बिल्कुल अलग कल्चर है, हमारे इतिहास से बहुत शानदार और बहुत मजबूत इतिहास है। आप बताइए हमारे पास इतिहास के स्रोत नहीं, और कश्मीरी इतिहास का आप मुझे एक पीरियड बताइए मैं 15 जगह इतने शो राष्ट्रगणी के बाद हमने 3 और राष्ट्रगणियाँ वो क्या क्या नहीं है। तो हमसे ज़्यादा रिच है वो, हमसे ज़्यादा शानदार वहाँ का कल्चर है और हमसे बहुत बेहतर लोग, और वो इतना हमने उलझा दिया है। और हमारी दिक्कत ये है कि हम असर भी बहुत तुरंत कहते हैं हमें पता है नहीं, बिल्कुल बेकार की बात है। मैं तो चाहता हूँ कम से कम 15-20 कश्मीर पर लोग रिसर्च करें हिंदी में, और 15-20 किताबें आएँ तब जाके हिंदी के पाठक के पास एक सही दृश्य सामने आ पाएगा कि कश्मीर क्या है। कश्मीर नामा पूरी प्रोसेस हुई आपकी प्रकाशित की बहुत सफल भी है, और उसके बाद जैसा जितना मैं जानता हूँ उस काल का समय एक वक्त जो आप थे और अभी एक वक्त बड़ा परिवर्तन है, तो इसमें एक इंसान के तौर पर बदलाव पैदा हुए बहुत अच्छे माहौल में पढ़े लिखे, हमारे बाप के लिए हम सबसे महत्वपूर्ण लोग थे, तो उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा पैसा, जिंदगी का सबसे ज्यादा वक्त और सुविधाएं हमारे लिए लगाई, नौकरियां मिली, हमने कभी पीड़ा देखी नहीं थी, हमने पीड़ाएं दी बहुत है लेकिन पीड़ा मैंने कभी भुगती नहीं। कश्मीर में जाके मैंने देखा कि पीड़ा क्या होती है, हम जो पुच्छी अपनी पीड़ाओं को इतनी बड़ी पीड़ा बना के कविता में महान बना देते हैं, और मुझे पता चला कि अपनी जगह से उखड़ने की पीड़ा क्या होती है, अपने जगह पे रहते हुए उखड़ा महसूस करने की पीड़ा क्या होती है, अपने इतिहास से काट दिए जाने की पीड़ा क्या होती है, और लगातार गलत समझे जाने की पीड़ा क्या होती है। किसी भी आदमी से पूछिए तो कहेगा मुझे कोई ठीक से समझ नहीं पा, शायद ही कोई आदमी होगा जो ये मानेगा कि उसे समझा जाए। कश्मीर को जितना गलत समझा गया है उसके बावजूद वहाँ के लोग हंसते हैं। निदा भाई का फोन आया तो पहला सवाल पूछा आप ठीक हैं, जावेद का पहला फोन आया तो बोला ठीक हो आप, मैं अमित पांचू के घर गया मिलने तो कुमार साहब ने कहा अशोक जी ठीक ठाक है ना,
तो जो खुद इतना परेशान थे वो मेरा हलचल है। बहुत मुश्किल है समझना उस प्यार को, वो जो आतिथेय भाव है उसको समझना बहुत मुश्किल काम है। तो निश्चित रूप से उसने मुझे लघुतर महसूस कराया, और जब आप लघुतर महसूस करते हो तो बेहतर बनने की कोशिश करते हो, ये काम जरूर हुआ। इसके बाद मेरे पास आखिरी सवाल है, वो चूंकि आप पहले मना कर चुके हैं कि फिर भी जो आपका शुरुआत से अभी तक आपका ये हो रहा है कि कई सारे प्रदर्शन ये सारी चीज़ों में आप इंक्लूड रहे हैं और बहुत एक्टिव रहे हैं, लेकिन जैसे कई सारे विवाद आते रहते हैं आयोजन कि इस आयोजन के लेकर कुछ विवाद हुए थे, तो उसमें कई सारे लोगों ने इस कार्य को बहिष्कार किया, आपसे कई सारे लोगों ने किया है, आप भी करते रहे शुरू से लेकर, लेकिन यहाँ आपने नहीं किया, तो इसका क्या कारण हो सकता है? हाँ, बहिष्कारों को लेकर मेरी पूरी एक समझ बदली है और मैं बहुत पब्लिकली उसको स्वीकार कर रहा हूँ, बहिष्कारों को लेकर मेरी समझ बदली है। और दरअसल हमने जिस तरह से आज तक बहिष्कार किए हैं उसमें शुद्धता का मामला ज़्यादा रहा है, अपनी निजी शुद्धता का मामला ज़्यादा रहा है और किसी पब्लिक कास्ट का मामला कम रहा है। आप ये बताइए कि बहिष्कार करके क्या मिला? आप जैसे मान लीजिए कि RSS एक आयोजन कराता है, उसका हम बहिष्कार करते हैं, हमारा स्टैंड बहुत साफ साफ दिखाई देता है, हम कहते हैं हम RSS के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसे प्रोग्राम जिसमें हर तरह के लोग आते हैं, अगर हम वहाँ पे संवाद नहीं करेंगे तो हमारा पक्ष कौन होगा? मैं टीवी चैनल्स पे जाता हूँ, शायद हिंदी के लिए चले रहकर लेखों में श्री कश्मीर पर मैं लिखता हूँ कि मुझे टीवी चैनल को बुलाया जाता है। अब टीवी चैनल पर भाजपा का भी प्रवक्ता होता है, कांग्रेस का भी प्रवक्ता होता है, सपा का भी प्रवक्ता हो सकता है, और कोई सो कॉल्ड कश्मीर एक्सपर्ट भी हो सकता है। तो अब मैं कौन सा, मैं नहीं जाऊँगा इन लोगों के बीच में, मैं कैसे बोलूँगा? कई बार हमें कम टाइम मिलता है, लेकिन उस कम टाइम में आपको अपना पक्ष रखना सीखना होता है। तो जहाँ तक इस आयोजन का सवाल है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि सर्कस है, लगातार सर्कस चल रहे हैं, फेस्टिवल जितने हैं सारे सर्कस हैं, लेकिन इन सर्कसों में जितना स्पेस आपको दिया गया है, आखिर अशोक पांडे को बुलाया गया है, तो अशोक पांडे के जो गुण हैं उनसे ये लोग परिचित तो होंगे, जो मेरी ख्याति है उससे परिचित होंगे, उस ख्याति के बावजूद अगर वो मुझे अपना मंच दे रहे हैं एक घंटे बोलने के लिए, तो वो इतने बुरे लोग जो एकदम संगीत टाइप के प्रोग्राम है। मैं बताऊँ, अभी दिल्ली में एक प्रोग्राम होना है, RSS का बिल्कुल प्रोग्राम है वो, जो कि कश्मीर पे होना, उसमें अजय ठाकुर साहब आ रहे हैं और इस तरह के लोग आ रहे हैं, वहाँ अशोक पांडे को बुलाया नहीं जाता। और दिल्ली में रोज प्रोग्राम होते हैं कश्मीर में, मुझे नहीं बुलाया जाता। मुझे अगर बुलाया जा रहा है तो मैं जानता हूँ कि मैं इतना नया लेखक नहीं हूँ, मेरी किताबें हैं, मेरी अपनी ख्यातियाँ और कुख्यातियाँ हैं। अगर मुझे कोई आयोजक बुला रहा है तो वो जानता है ये बंदा बदतमीज है, इसको नहीं पसंद आएगा, भटक के चला जाएगा और बोलेगा तो वही बोलेगा। और एक और बात कि अगर मुझ में हिम्मत है तो मैं कहीं भी दम के साथ बोल सकता हूँ, मुझ में मतलब किसी के लेखक, और नहीं है तो वो अपने घर में भी दुनियाता रहेगा, वो सभी। तो इस तरह के जो बहिष्कार हैं, स्थानीय राजनीतियाँ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं इस तरह के बहिष्कारों को अच्छे से तक नहीं मानता हूँ। बहिष्कार एक बड़ा हथियार है, गांधी जी ने विदेशी कपड़ों का हथियार किया था बहुत सोच समझ के। दूसरी एक आखिरी बात मैं करूँगा, फिर सवाल लूँगा कि आप देखिए, तीन हमारे बड़े लेखक संगठन हैं, तीनों वामपंथी हैं, तीनों ने मिलकर आज तक बहिष्कार पर कोई नीति नहीं बनाई। मैं किसी लेखक संगठन से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन आज पब्लिकली कह रहा हूँ कि ये तीनों संगठन आपस में मिले, बहिष्कार पर एक नीति बना दें, मैं उसका पालन करूँगा। जब मन करता है बहिष्कार हो जाता है, जब मन करता है नहीं होता है। मैं नहीं जाता तो फिर हिंदी के लेखक और पाठक को अशोक कुमार पांडे पर भरोसा करना पड़ेगा कि वो अपनी अगर अपने दिमाग से कहीं पे गया है तो सही जगह गया होगा। जो नहीं कर सकते हैं, स्वागत है उनका। मतलब एक नियम बन, जैसे कोई अगर सवाल पूछना चाहे तो एक आपकी जो कविता लिखी प्रलय मिल है उसको पढ़ते के बाद, और मार्क्सवाद पर जो पुस्तक है आपकी वो बड़ी गीता जैसी मुझे लगती है, खुद भी मैं उसको पढ़ता हूँ, और हमारे यहाँ तो मुंबई में आप जानते हैं मुझे कि मैं किताबों के बीच में रहता हूँ, लोगों को पढ़ना पढ़ाना एक शौक ऐसा भी है। तो कोई व्यक्ति बच्चा भी आता है यूनिवर्सिटी पास में मार्क्सवाद, सीधे भाई पांडे जी की पुस्तक पढ़ लो, उसके बाद भी आप यशपाल जी की पढ़ा देता हूँ, यशपाल जी की अच्छी पुस्तक है उसको पढ़ाता, उसके बाद फिर जो प्रकाश संस्थान वाले से छुट्टी है तो उसमें डाल देता हूँ, भाई अब
जीवन में एक बड़ा काम हो जाता है। तो मैं अपने दिल से देखता हूँ कि अब तक आपका जो जीवन रहा है उसमें मील का पत्थर ये हुआ है कि बड़ा काम हुआ है इस काम का जो आपने किया है। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा जाएगा या पढ़ा जाएगा उसमें ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मुझ पर। और अंदर से और गुजरता हूँ उसके, तो अभी जो कश्मीर का जो मुद्दा हुआ उसके बाद उसकी मांग बढ़ी, लेकिन इसके पहले भी मैंने, मुझे लगता है मैंने अपने हाथों से 50 से ज़्यादा लोगों को इस किताब को पढ़ाया है और सभी लोगों से मैंने फीडबैक लिया, उन्होंने सकारात्मक दिया है कि इन्होंने बेहतरीन काम किया है। उसकी जब मैं व्यक्तिगत पढ़ता हूँ उसका इंडेक्स उठाता हूँ, एक मिथ की ऊपर से उठा कर एक तरफ कविता, एक तरफ